गुरुग्राम के सदर बाजार को सुंदर और अतिक्रमण मुक्त बनाने के लिए नगर निगम गुरुग्राम की ओर से एक अनूठी पहल शुरू की गई है। इसके लिए निगम की ओर से बकायदा राहगिरी कार्यक्रम का 7 दिन का ट्रायल कार्यक्रम भी शुरू कर दिया गया है, लेकिन सदर बाजार के दुकानदारों ने अपनी अपनी दुकानें बंद कर इसका विरोध शुरू कर दिया है। आपको बता दें कि नगर निगम गुरुग्राम की ओर से सदर बाजार को अतिक्रमण मुक्त करने के लिए नो व्हीकल जोन की योजना तैयार की गई है, जिसका मुख्य उद्देश्य बाजार को सुंदर बनाना और ट्रैफिक मुक्त करना है। इसे लेकर सदर बाजार के प्रधान सुमित नारंग का कहना है कि इस तरह की कार्रवाई करने से पहले सरकार को सोचना चाहिए। इससे पहले भी सदर बाजार के दुकानदारों को सीलिंग के नाम पर 50,000 रुपए का जुर्माना लगाया जा चुका है। तो सरकार को सोचना चाहिए, है ना। एक तो ये बदमाशी वाली बात हो रही है भाई। सरकार जो भी चाहती है इस बाजार के लिए, पहले 50,000 का जुर्माने किए गए, 2-2 महीने पहले सीलिंग हुई, तो 3 महीने बाद रिफंड होंगे, वो आज तक रिफंड नहीं आए। और उसके बाद गमले रख दिए, एकदम से बेंचेस रख दिए, एकदम से सदर बाजार के चारों तरफ से मतलब कि घेराबंदी कर दी भाई। व्हीकल जोन बनाना है, ये बनाना है। अरे करना है तो प्रॉपर पूरे गुड़गांव को बनाइए ना भाई। जो सरकार ने ये स्टेप उठाया, एक तो इनको बैक लेना चाहिए इसको, है ना, जो कि आपको आके इस बाजार में सर्वे करना चाहिए जो सबके लिए कम्फर्टेबल हो, सरकार के लिए भी और पब्लिक के लिए भी। सारे रास्ते खुल जाएँ और ये जितने भी गमले हैं स्टूल हट जाए, बाजार तो हमारा भी खुल जाएगा, है ना। और नहीं खुलेगा तो भाई फिर हमारा 10 दिन तक विरोध करेंगे इसका भाई, जब तक सरकार नहीं मानेगी हमारी बात। क्योंकि भाई हम तो सरकार के साथ थे और भाई सरकार हमारे से अलग चल रही है, तो भाई फिर हमें विरोध भी करना चाहिए इस चीज़ का। मार्केट प्रधान ने बताया कि दुकानदारों का साफ तौर पर कहना है कि जितनी जल्दी हो सके नगर निगम बाजार में रखे हुए अपने बेंच और गमलों को तत्काल प्रभाव से उठा ले, अन्यथा सभी दुकानदार इकट्ठे होकर एक बड़ा विरोध प्रदर्शन करेंगे। साथ ही इनका कहना है कि इस तरह की कार्रवाई करने से पहले एक पार्किंग की व्यवस्था की जाए। गुरुग्राम से वी न्यूज के लिए अशोक सारस्वत के साथ आलोक भंडौरिया की रिपोर्ट।